Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो गया है। देश भर में राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आधारशिला रख दी है। इसके बाद जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। दूरदर्शन पर आने वाली रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया भी इस मौके पर काफ़ी खुश नजर आई। सोशल मीडिया पर वो लगातार अपने इस खुशी को अपने फैंस के साथ बांट रही हैं। टीवी की सीता यानी कि एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो दिया जलाते हुए लिख रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। 500 साल के संघर्ष के बाद अपने घर में स्वामी का स्वागत होगा। इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, कल राम जन्मभूमि शिलान्यास होगा, आखिरकार लंबा इंतजार जो है खत्म हो गया। रामलला जी की घर वापसी हो रही है, यह बेहद शानदार अनुभव होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली इस साल जल्दी आ गई। यह सब सोचकर इमोशनल हो रही हूँ। कल का इंतज़ार यानी कि आज का जो इंतज़ार था उसको बेसब्री से कर रही थी। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर धोती कुर्ता पहने नजर आए, उन्होंने भगवा रंग का कुर्ता और धोती पहनी थी। तस्वीर पीएमओ द्वारा शेयर की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के लिए कुल 3 घंटे तक अयोध्या में रहे और पीएम मोदी 12:44 पर मंदिर की जो है आधारशिला को रखे। इसके बाद से वहाँ पर जिस तरीके से कोरोना चल रहा है उसको भी लेकर लोगों का जो ध्यान था वो अपने तरफ आकर्षित किए और अपने फेस मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहाँ पर साधु संतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियमों का पालन किया गया। न्यूज रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।